तो गाइस यार रुको, सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को चालू किया तो स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग वो चीज मिस कर जाओगे, वो चीज को भूल जाओगे कि क्या मैंने आपको बताया था और क्या आपको अपने चैनल पे अप्लाई करना है जिससे आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो यार आप लोग ऐसे हो कि आप में क्या करते हो, बस क्लिक कर दिया अब स्किप कर दोगे, तो स्किप वगैरह मत करना। आप लोग कुल 5 मिनट ऐसे निकालो जिसके अंदर आप लोग समझ जाओ कि कैसे यूट्यूब एक ऐसा खेल है जिसके अंदर 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी ले जाते हैं। और काफी लोगों का दिमाग में क्या साइकोलॉजी होती है यार, 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट होंगे, 1000 लोग कब हम लोगों को सब्सक्राइब करेंगे, कम लोगों का कंटेंट उन लोगों को पसंद आएगा या नहीं, बहुत सी बातें दिमाग में चल। तो यार आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट किया और आप लोग कैसे करोगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो कुछ इसी तरह से, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस यार 1000 सब्सक्राइबर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा फंडा क्लियर करना होगा तभी आप लोग अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही क्विकली ले पाओगे। तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को सिंपल सबसे पहले तो एक कुछ चीजों पे काम करना होगा, ऐसी ऐसी चीजें जिन पे आप लोग आलस खा जाते हो, आलस कर जाते हो, जिससे कि आप उन चीजों पे काम नहीं कर, जिससे आपकी वीडियो रॉकेट की तरह उड़ती नहीं है और उस पे ना ही व्यू आता है और ना ही वो वीडियो आपको सब्सक्राइबर देती है। यार ऐसा एक बात समझो कि जो भी बड़े बड़े क्रिएटर डालते हैं वीडियोस को रेगुलरली डालते हैं, तो उनकी एक हर एक नई वीडियो उनको कम से कम 100 सब्सक्राइबर ही दे लेकिन देती है, हर एक वीडियो आपको सब्सक्राइबर देती है, लेकिन आपकी वीडियो देती है क्या, नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप अपनी वीडियो पे काम ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर दी, थंबनेल बना दिया और उसे अपलोड कर दिया, वीडियो खुद चलेगी, चलती नहीं है, स्टार्टिंग में चलानी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइबर ही नहीं है। अब आप लोगों के सब्सक्राइबर नहीं है तो आप लोग अपनी वीडियो का वेट करते हो कि यार टाइम हो गया अभी तक नहीं चल रही। ओह माय गॉड, हम लोगों के 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वीडियो पे भी तो व्यू नहीं आ रहा, वायरल नहीं हो रही, क्या करें। तो आप लोग एक बात समझो कि कोई वीडियो आप लोगों की खुद से नहीं चलती है, स्टार्टिंग का न्यू यूट्यूबर जो होता है ना उसको अपनी वीडियोस को चलाना पड़ता है, अपना प्रोडक्ट जैसे हम लोग मार्केट में लॉन्च करते हैं उसी तरह से आपको अपनी वीडियो को लॉन्च करना पड़ता है, लोगों को सामने दिखाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग, मैं अपनी वीडियोस को अभी यूट्यूब सर्च पे लेके आता हूँ, कैसे मैं अपनी वीडियोस को सजेशन में लेके आता हूँ, आप लोग कुछ भी ऐसा सर्च करो, एग्जाम्पल आप लोगों में दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि अभी के टाइम पे पबजी न्यू स्टेट करके एक गेम आ रहा है, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ यूट्यूब पे पबजी न्यू स्टेट, तो आप लोग देख रहे हो टॉप 3rd पे, यानी कि 3rd नंबर पे मेरी वीडियो रैंक कर रही है। तो क्यों? क्योंकि मैंने अपनी वीडियो पे काम किया और मेरी वीडियो लॉन्च हुई और इस पे मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, कोई भी सजेशन में भी मेरी वीडियो आती है और मुझे वहां से व्यू मिलता है और सब्सक्राइबर भी मिलते हैं। तो यार आप लोग एक बार समझ जाओ इस बात को कि आप लोगों को स्टार्टिंग में अपनी वीडियो को चलाना पड़ता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं होता। और दूसरी चीज, आप लोगों को अपने थंबनेल पे क्लिक बैट कराना है। अब जैसे कि काफी लोग ऐसे होते हैं, अभी मान लीजिए आपको पता होगा कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कि हम लोगों को ऐसी ऐसी मिलती है जो कि महंगी होती है लेकिन वहां सस्ते में मिल जाती है। जैसे कि एक मनोज भाई ने वीडियो बनाई थी, कौन सी वाली, पावर बैंक वाली, पावर बैंक उन्होंने कितने में बताया था, 3500 का पावर बैंक, कितने में, मात्र 100 रुपए में, इस टॉपिक पे उन्होंने वीडियो बना दी। अब वो थंबनेल पे ऐसा लिख देते हैं कैसे स्टेशन पे आप लोगों को ठगा जाता है, कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। अब ये चीज जो थंबनेल पे लिखते तो इतने क्लिक्स नहीं होते, लेकिन उन्होंने थंबनेल पे क्या लिखा, एक हाथ में तो पावर बैंक पकड़ा 5000 mAh, उस पे लिख दिया और ऊपर लिख दिया मात्र 100 रुपए। तो काफी लोगों के दिमाग में क्या थॉट आया कि यार 15000 mAh का पावर बैंक मात्र 100 रुपए में कैसे मिल सकता है। तो कैसे आप लोगों को अपनी वीडियो के अंदर लेके आना है, मतलब कि आप लोग कुछ ऐसा क्लिक बैट करो जिससे कि माइंड में ये थॉट जाए कि कैसे हो सकता है। तो इस चक्कर में आपकी वीडियो पे व्यू आएगा, आप लोगों की स्टार्टिंग में ही अच्छी खासी अगर वीडियो चल जाती है तो आपके यूट्यूब इंप्रेशन बढ़ा देता है और इंप्रेशन बढ़ते हैं तो वीडियो ज्यादा लोग देखते हैं और पसंद आती है, आपके कंटेंट में दम होता है तो आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब भी लोग कर देते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये 2 बातें, एक तो आप लोगों को अपनी वीडियोस के अंदर कुछ आप लोगों स्टार्टिंग में चलानी होती है और दूसरा आप लोगों को थंबनेल पे काम करना होता है। अब यार आप लोग एक बात और समझो कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो क्वालिटी पे कंटेंट पे फोकस नहीं करते हैं, आप लोग उनमें से ऐसे गलती मत करना। आप लोग कुछ इसी तरह से वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग बहुत अच्छी नॉलेज लेते जा रहे हो और मैं आपको जो बता रहा हूँ यार इस टॉपिक पे आप लोग काम करना, इन जो मैं बातें बता रहा हूँ ना अपनी वीडियोस के अंदर अप्लाई करना, आप लोग कुछ ही रहें में आप लोगों को अपनी वीडियो के चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। आप लोग भी बोलोगे यार कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ रहा है हमारी वीडियो में, हम लोगों की वीडियो पे जो एवरेज व्यू आते थे वो चेंज हो रहे हैं। तो अब आप लोगों को अपनी वीडियोस को रैंक कराना सीखना है, थंबनेल क्लिकेबल बनाना है और साथ ही साथ आप लोगों को कंटेंट पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप लोगों की वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, आपका फेस कैम अच्छा नहीं है, आप लोग खुद का फेस कैम नहीं कर रहे हो। बहुत लोग ये गलती करते हैं अपनी वीडियोस में, खुद का फेस नहीं दिखाते हैं। खुद का फेस वैल्यू बनाओ यार, फेस वैल्यू बनाओगे तभी तो आप लोगों को लोग जानेंगे और जानेंगे तो ही आपको सब्सक्राइब
करेंगे, आपको पसंद करेंगे, और तभी आप लोगों के चैनल पर जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्रिएटर एरिया को पूरा करोगे। आप लोग एक बात बताऊँ, जैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तो बस आप लोग छोड़ दो अपने आप पे, किस तरह से आपको बस रेगुलर वीडियो डालनी है, उसको बूस्ट करना है। स्टार्टिंग में बूस्ट करोगे, इंप्रेशन जाएंगे, व्यू आएंगे और ऑटोमेटिक आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में, और आपके साथ साथ आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और इसी तरह से आप लोग अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बेस बना सकते हो। क्योंकि यार स्टार्टिंग में मेन होता है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने अगर बूस्ट कर दिया तो फिर क्या होता है, हम लोग सब्सक्राइबर बन जाते हैं, सब्सक्राइबर बेस बन जाता है, तो फिर हम लोगों की 1 घंटे के अंदर अंदर अच्छे व्यू आ जाते हैं, तो YouTube को भी लगता है कि हाँ यार अच्छा ऑडियंस रिटेंशन आया और इसको हम लोगों को आगे दिखाना चाहिए, क्योंकि कंटेंट में दम है। क्योंकि आप लोग ऐसा कुछ करो अपनी वीडियो के अंदर जिससे लोग रुके रहे, जैसे कि अभी आप लोग रुक रहे हो, तो कुछ इसी तरह से बोलो, कुछ इसे ऐसा अपनी वीडियो के अंदर कर दो जिससे कि आदमी कम से कम, आप लोगों की वीडियो अगर मान लीजिए 10 मिनट की, तो कम से कम यार 5 मिनट तक तो रोक ही सकते हो, और अगर मान लीजिए आपकी वीडियो 4 मिनट की, तो कम से कम इतनी कोशिश करो 2 मिनट या 2:30 तक, यानी कि 3 मिनट तक आप लोग अपनी वीडियो के अंदर रोक सको आदमी को। अगर ऑडियंस अटेंशन बहुत मैटर करता है, YouTube बस यही चीज देखता है, कितने लोग देख रहे हैं, कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर ये चीज कंफर्म होगी, YouTube के दिमाग में बैठ गया कि हाँ यार इतना अच्छा ऑडियंस अटेंशन आ रहा है, तो वीडियो आप लोगों की वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किन किन पॉइंट्स पर हम लोगों को काम करना है और कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस उम्मीद है आप लोग ये बात जो है समझ गए होंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यार कि आप लोग अपनी वीडियोस को अपलोड करने के साथ साथ आप लोग कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स भी बनाओ। शॉर्ट्स आपको पता होंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स अभी बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। यूट्यूब शॉर्ट अगर आप लोग बना देते हो अपनी वीडियोस पे, तो आप लोग क्या करो अपने चैनल के अकॉर्डिंग बनाओ। जैसे कि मेरा टेक चैनल है, तो मैं काफी शॉर्ट्स बनाता हूं और शॉर्ट्स बहुत तेजी से वायरल होते हैं, और इसी के चलते हुए मुझे बहुत से सारे सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं। बहुत कुछ चीजें मेरे को अपने चैनल पर नई नई देखने को मिलती है, काफी नए नए कमेंट्स आते हैं, काफी लोग नए नए जुड़ते हैं, काफी लोग नए सब्सक्राइब करते हैं, और शॉर्ट्स जो है बहुत तेजी से वायरल होती है, तो इससे आपका चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो कर जाता है। और आप लोग बोलते हो कि यार हम लोग ऐसा क्यों करें, यूट्यूब शॉर्ट्स हमें नहीं बना, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो यार आप लोगों की इच्छा मैंने तो आपको बता दिया कि YouTube Shorts आपको बनानी है या नहीं। YouTube Shorts पे यार मैं तो बनाता हूँ, मुझे तो अच्छा रिस्पांस मिलता है, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं और वो लोग मेरी वीडियोस को भी वॉच करते हैं, जिससे कि 1 घंटे के अंदर अंदर, एक बार समझो, अगर आप लोग वीडियो अपलोड करते ही, अपलोड करने के 1 घंटे के अंदर, मान लीजिए 8 बजे अपलोड करी, तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में आपके अगर मान लीजिए अच्छे व्यू आए, मान लीजिए 20 व्यू आए, 20 व्यू में आप लोगों को ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है 2 मिनट या 3 मिनट, और उसका ऑडियंस रिटेंशन भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसके अंदर क्या देखेगा YouTube कि इसको 1 घंटे के अंदर अंदर इतने लोगों ने पसंद किया, यानी कि थंबनेल अच्छा है और इतना अच्छा क्वालिटी है, अच्छा कंटेंट दे रहा है आदमी, तो इतने देर तक लोग रुके हुए हैं, और इसी टॉपिक को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि और लोगों को नॉलेज मिलती रहे। तो YouTube आपके उस वीडियो के इंप्रेशन बढ़ा देता है, और इंप्रेशन बढ़ते आपके व्यूज बढ़ जाते हैं और सब्सक्राइब लोग कर देते हैं। कंटेंट आप लोगों को हमेशा प्रॉपर बनाना होगा, आप लोगों के बोलने का तरीका, आप लोगों का वीडियो का बैकग्राउंड, कंटेंट, आप लोगों की क्वालिटी, सब कुछ बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है YouTube पर कि यार कुछ नहीं होता, तो यार समझो इस चीज को, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो यार लाइक शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और गाइस आप लोगों से एक सवाल और भी है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और आप लोग जल्द से जल्द अपनी वीडियोस के अंदर ये चीज को, इस टिप्स को फॉलो करो, अपनी वीडियोस के अंदर कुछ सुधार करते जाओ, जिससे आपकी वीडियो भी YouTube सर्च में आए, सजेशन में आए, और आप लोगों की इंप्रेशन जो है ना YouTube बढ़ाता जाए, इतना तेजी से बढ़ाए कि आप लोग अपने अगली बार मेरी वीडियो पे आओ तो इसी तरह से बोलो कि निखिल भाई आपने बिल्कुल सही टिप्स बताई थी, मेरी वीडियो पे मुझे नए नए रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यार ये दूसरी बार बोल रहा हूँ तो कर लीजिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।